तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरीके का एक लोडिंग स्क्रीन का इफेक्ट आपके वीडियोस के ऊपर प्ले हो रहा है। तो इस तरीके का इफेक्ट अप्लाई करके आप वीडियोस कैसे बना सकते हो, तो इस टॉपिक पे मैंने एक्चुअली ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है मेरे चैनल पे। लेकिन इस वीडियो की खास बात यह है कि अगर आपको ये वाला जो इफेक्ट है लोडिंग स्क्रीन का, ये आपके सेव्ड वीडियो पे मतलब आपके गैलरी में जो वीडियो पहले से अवेलेबल है उसके ऊपर अगर आपको ये इफेक्ट अप्लाई करना है तो इसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और ऐसे ही नए नए कॉन्टेंट के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अगर इस तरीके का वीडियो अगर आपको बनाना होगा, आपके प्रीवियस मतलब प्री रिकॉर्डेड वीडियो पे इस तरीके का इफेक्ट अप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक फिल्टर का एक इफेक्ट का लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक के ऊपर आपको टैप करना है। उस लिंक के ऊपर टैप करोगे तो आपका इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक इफेक्ट दिखेगा स्क्रीन पे। तो आपको करना क्या, आप देख सकते हो स्क्रीन के सेंटर में नीचे इस इफेक्ट का नाम लिखा हुआ है जो शायद उर्दू लैंग्वेज में, शायद मुझे इस लैंग्वेज नहीं पता कौन सी है, तो ऐसे कुछ नाम लिखा है वहां पे। तो जो नाम लिखा है उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर आप जैसे टैप करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सेव इफेक्ट करके, तो वो सेव इफेक्ट के ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको मिनिमाइज करके ऐसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद फिर से आपको आपके मोबाइल का जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद फिर से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। अभी जो यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन को ऐसे राइट हैंड साइड पे आपको स्वाइप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। आपको सेंटर में नीचे एक स्टोरी का ऑप्शन दिख रहा है, स्टोरी के ऑप्शन के राइट हैंड साइड पे आपको एक रील्स लिखा हुआ दिख रहा है, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे, अभी आपको करना क्या है, आपको स्वाइप अप करना है, स्क्रीन है उसे ऊपर के साइड पे सरका देना है। तो ऐसे आप स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक गैलरी का ऑप्शन है, उसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आपके गैलरी में जितने भी फोल्डर्स है वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपका जो भी पुराना जो भी वीडियो है वो इस तरीके से इस फोल्डर में से आपको ढूंढना है और उसे सिलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे इतने सारे वीडियोज है तो इसमें का कोई तो एक वीडियो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये वाला वीडियो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दूंगा। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक एयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो एयर के ऑप्शन के ऊपर आपको टैप करना है। एयर के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा। आप देख सकते हो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे जहाँ पर मैं अभी फिंगर शो कर रहा हूँ यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर के साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो उसमें का जो फिफ्थ नंबर का ऑप्शन है जहाँ पर तीन स्टार्स बने हुए उसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैं टैप कर रहा हूँ, इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट इफेक्ट रहेगा वो बफरिंग का इफेक्ट रहेगा जो आपने अभी सेव किया था, तो उस इफेक्ट के ऊपर आपको टैप करना है। अभी आप देख सकते हो जो वीडियो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था उसके ऊपर बफरिंग का जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक डन का ऑप्शन है, उसके ऊपर टैप करना है। इसके बाद इस वीडियो को आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे ऊपर आप देख सकते हो सेकंड ऑप्शन है डाउनलोड एरो एक देख रहा है, उसके ऊपर आप टैप करोगे तो ये वीडियो आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा। इसे एज अ रील अगर आपको अपलोड करना है तो राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, उसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे कवर का ऑप्शन है, तो कवर में से आप कोई भी इस तरीके से एक कवर वीडियो में से सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे ऐड फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है, ऐड फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन के ऊपर अगर आप टैप करोगे तो गैलरी में से कोई भी एक स्पेसिफिक फोटो एज अ कवर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक डन का ऑप्शन है, उसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे कुछ कैप्शन वगैरह ऐड करना है तो राइट कैप्शन के ऑप्शन के ऊपर आपको इस तरीके से टैप करना है। यहाँ पे आप कुछ कैप्शन वगैरह ऐड करना है तो इस तरीके से यहाँ पे कैप्शन ऐड कर सकते हो। लास्ट में आपको नीचे एक शेयर का ऑप्शन दिखेगा, तो शेयर के ऑप्शन पे आप जैसे टैप करोगे तो ये जो इफेक्ट के साथ बनाया हुआ वीडियो है ये एज अ रील आपके फीड के ऊपर पोस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्री रिकॉर्डेड वीडियो पर भी इस तरीके से ये बफरिंग या लोडिंग इफेक्ट अप्लाई करके वीडियो बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।